नमस्कार दोस्तों, टर्टल एंड फिश केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा वाटर लेवल कितनी रखनी चाहिए आपको बेबी रेडियर स्लाइडर के लिए। आप देख सकते हैं इस टैंक में बेबी रेडियर स्लाइडर है और मैं वाटर की लेवल जो है वो 2 इंच के आसपास रखी है। आपको वाटर लेवल जो है वो 2 इंच रखनी है जब ये बहुत छोटे होते हैं, तब जब आप दुकान में से ले आते हैं इन्हें, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले जिन्हें ज़्यादा वाटर ना रखें, फिर हर हफ्ते आप वाटर की लेवल जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइए। जैसे इनकी शेल की जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वाटर लेवल भी आप थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइए। दूसरा, आपको इन्हें खाना क्या खिलाना है, तो आपको खिलाना है इन्हें शुरुआत में लाने के बाद ही आपको इन्हें सूखा झींगा खिलाना है जो फार्म पर इन्हें खिलाया जाता है। बिल्कुल नेचुरल फूड है, आपको आसानी से कहीं भी जो सूखी मछलियाँ जहाँ मिलती है वहाँ मिल जाएगा आपको। आपको आपके जो आसपास का मार्केट होगा सूखी मछली का मार्केट, आपको सूखा झींगा लाना है, इन्हें खिलाना है। पहले दिन से ही खाना शुरू कर देंगे और इन्हें पेट भर खिलाना है, कभी भी कंजूसी ना करें खिलाने में। ऐसा नहीं है कि ये ओवर ईट करेंगे, जब भी इनका पेट भर जाता है ये खाना रोक देते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा ही फूड डालना है, एक बार में बहुत ज़्यादा फूड नहीं डाल दीजिएगा, और दिन में 4 बार खिलाइए थोड़ा थोड़ा करके, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और ये हमेशा हेल्दी रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके टर्टल की ग्रोथ होती रहेगी और कभी आपका टर्टल बीमार नहीं पड़ेगा।